हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम कुमार। तो आज की वीडियो में हम किया सेल्टोस डीजल का टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं, जिसमें आपको इसका एक्सेलरेशन टेस्ट एंड परफॉर्मेंस एंड राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी एंड म्यूजिक सिस्टम, उसके साथ साथ 0 to 100 कितना सेकंड में पहुंचेगा, एग्जैक्टली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से भी बताएंगे आपको कि कितना सेकंड में पहुंचेगा। उसका स्टैम्प भी आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो इस वीडियो में इतना सारा चीज कवर अप करने वाले हैं, जिसमें सबसे बेस्ट ड्राइवेबल कार हम अभी चलाने वाले हैं इस सेगमेंट का, क्योंकि किया सेल्टोस डीजल 1.5 लीटर काफी ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, नॉट बिकॉज ऑफ द बीएचपी मेंशन इन द ओनर बुक। तो उसके अलावा भी बताने वाले हैं कि इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, जो कि बाकी सारे डीजल गाड़ियों से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देता है और पेट्रोल गाड़ी से भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। तो इसका टेस्ट ड्राइव लेके आपको दिखाते हैं आगे। उससे पहले आप थोड़ा मोड़ा अगर इसका स्कूफ एंड लुक्स वगैरह होगा तो आप देख सकते हैं, जिसका पेट्रोल वेरियंट का आपको व्हाइट कलर में दिखाएंगे, पर हम लोग अभी ब्लैक कलर का टॉप एंड वेरियंट डीजल चला के दिखाने वाले हैं, तो उसको आप देख सकते हो आगे। चलते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं और टेस्ट ड्राइव पे पहुंचते हैं। वीडियो में इसका एनालॉग ऐसा सिस्टम है कि थोड़ा सा स्लो दिखेगा पर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जिसका 0 to 100 जब हम टेस्ट करेंगे उस टाइम आपको पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे, प्रोसीड करते हैं और उसी टाइम का मोमेंट फील करते हैं, व्हाटएवर वी आर टॉकिंग विद द को पैसेंजर जो कि हम लोग को टेस्ट ड्राइव दिलाने के लिए आए थे। स्मूथ है पूरा ना, डीप है क्लच थोड़ा इसका, तो डीजल है ना, इंजन ना भगा के दिखेगा थोड़ा सा, पावर तो पूरा होगा, लकी डीजल है ये देखो पेट्रोल से बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा होगा। आप कुछ यहां को बता देते हैं, ज्यादा ही फील आ गया, ऐसे बात है भाई, बहुत ज्यादा फर्क है, फील आ, ब्रेकिंग तो काफी स्टेबल है, बहुत ज्यादा फर्क है, ब्रेकिंग तो काफी स्टेबल है, इसका टॉर्क रोल मैप पे 144 का टॉर्क आता है और इसमें डायरेक्ट 250 का टॉर्क हो जाता है। देखो अचानक से किक इन होता है ना, जैसे टर्बो जैसे खींचना स्टार्ट कर देता है, देखो अभी अभी टर्बो लैग है, ये देखो किक इन हुआ, 4 नंबर का टॉर्क है, देखो तुम 4 नंबर का है वो भी भाई, थोड़ा सा भी होने नहीं दी उसको, ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा उनको, पता है पेट्रोल टर्बो रहता तब इससे ज्यादा होता है, पेट्रोल टर्बो टर्बो लेना पड़ता, लेकिन डीसीटी आता है ना, पेट्रोल टर्बो में आ जाता है आपका, डीजल का पावर कुछ ज्यादा ही है, इंटीरियर भी मस्त है, वेंटिलेटेड सीट्स, पीछे का कंफर्ट बहुत अच्छा है। अब इसका 0 to 100 करेंगे, जो कि पीछे से रिकॉर्ड करेगा ये लोग सेफ्टी के साथ, तो उस टाइम चेक करते हैं। डीजल इंजन इतना साइलेंट सिर्फ हुंडई ही बना सकता है किया, मतलब भाई क्योंकि तो भाई डीजल ही है, तो पता है पेट्रोल भी ठीक भागेगा लेकिन इसके कंपैरेटिवली एकदम बहुत अलग होगा। तो चलिए इसका अब एक्सेलरेशन टेस्ट पे आते हैं, जिसपे हम इसका 0 to 100 चेक करने वाले हैं, जिसमें हम 0.5 सेकंड मिस कर दिए क्योंकि उसमें पीछे जो रिकॉर्ड कर रहा था वो रिकॉर्ड ऑन ऑफ कर चुका था, तो इसके वजह से 0.5 सेकंड मिस हुआ है, जिसमें बस गाड़ी ऑलमोस्ट बस जीरो क्रॉस ही किया है, उससे ज्यादा पहुंचा नहीं है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। वैसे हम एडिटिंग में आपको सारा कुछ दिखा देंगे क्लियरली और टाइम स्पैम एग्जैक्टली फ्रेम वहां पे दिखा देंगे कितना सेकंड में पहुंचा है। पेट्रोल गाड़ी लग रहा है पेट्रोल टर्बो में क्या है कि पेट्रोल टर्बो का क्या है, थोड़ा
थोड़ा सा जब स्टार्ट करिएगा ना तो उसका आरपीएम थोड़ा हाई रहता है। अच्छा। फिर वो धीरे धीरे मतलब 10-15 सेकंड 20 सेकंड के बाद वो नॉर्मल आरपीएम पे आ ये 100 पे क्रूज कंट्रोल कैसे एक्टिवेट होगा? क्रूज से माइलेज बहुत परफेक्ट निकलता है, माइलेज बहुत सही आता है। ये एकदम 60 पे तो 60 पे गाड़ी चल रही है। खत्म हो गया मतलब? हां, जैसे कुछ भी हो, गियर या क्लच कुछ भी करो, ब्रेक डिसएंगेज। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही ऑटोमोबाइल कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।